गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे एंटोनिम्स की क्लास है, जो हमारे बीरबल सर है वो अभी अपने प्रैक्टिस सेशन में बिजी है, इसलिए आज की आपकी एंटोनिम्स की क्लास मैं लूंगी। ठीक है, तो हम अभी अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आता है वो आता है इंटरप्रिट। इंटरप्रिट का अर्थ क्या होता है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इंटरप्रिट का अर्थ क्या होता है। इंटरप्रिट का अर्थ क्या होता है, ब्रेव बोल्ड। तो एंटोनिम्स के अर्थ में क्या, मैं अभी लिख देती हूँ, इंटरप्रिट का अर्थ हो जाएगा ब्रेव और बोल्ड। ब्रेव बोल्ड, ब्रेव बोल्ड का अर्थ होता है बहादुर। तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड आया इंटरप्रिट, इंटरप्रिट का अर्थ हो जाएगा ब्रेव बोल्ड। तो अब जो ब्रेव नहीं है, बोल्ड नहीं है, इसका मतलब वो कमजोर है, डरा हुआ है। तो डरे हुए के सेंस के लिए जो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर इसका एंटोनिम्स क्या आएगा। तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि बोल्ड, इंटरप्रिट, ब्रेव के एंटोनिम्स के लिए हमारे पास क्या वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है इसमें एक वर्ड आता है टिमरस। टिमरस का अर्थ क्या होता है, डरा हुआ, फियरफुल। फियरफुल जो टिमरस है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फियरफुल। आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है डेयरिंग। तो डेयरिंग का भी हमने जो पीछे पढ़ा था वो इसका अर्थ होता है, वो इसका भी अर्थ होता है ब्रेव बोल्ड। तो डेयरिंग का अर्थ होता है ब्रेव बोल्ड। जो हमने इसके लिए पीछे सिनोनिम्स पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था इंटरप्रिट। इंटरप्रिट हमने पढ़ा था ब्रेव बोल्ड होता है, तो उसी का एक सिनोनिम्स हमारे पास एक और आया, वो आया डेयरिंग। तो डेयरिंग का अर्थ ब्रेव, तो उसी के लिए हमने वहां पे टिमरस लिखा था, टिमरस का अर्थ डरा हुआ, तो उसी के सिनोनिम्स यहाँ पे क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आता है कावर्डली। कावर्डली इसका अर्थ होता है डरा हुआ, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा फियरफुल। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास वर्ड आता है वो आता है रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का अर्थ क्या होता है, यदि आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाला, अतः जो बहुत कम बात करता हो उसके लिए जो वर्ड आता है वो हमारे पास आता है रेटिसेंट। तो कम बोलने के लिए आया रेटिसेंट, तो इसका हमें एंटोनिम्स चाहिए। तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा, जो ज्यादा बोलता है, तो ज्यादा बोलने के लिए जो वर्ड आता है, जिसके लिए वर्ड आता है वो आता है हमारे पास गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है जो ज्यादा बोलता है। अब जो ज्यादा बोलता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टॉकेटिव। तो हमारे पास जो वर्ड है गैरुलस, गैरुलस का सिनोनिम्स हो जाएगा टॉकेटिव। और हमारे पास जो वर्ड आया तो वो आता है रेटिसेंट। रेटिसेंट का अर्थ होता है जो कम बोलता है, तो हमारे पास जो ज्यादा बोलता है उसके लिए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा गैरुलस, जिसका एक सिनोनिम्स होता है टॉकेटिव। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है रिजर्व। रिजर्व का अर्थ भी क्या होता है, रिजर्व का अर्थ जो सेम होता है जो कम बोलता है, जो कम बोलने के लिए हमारे पास जो वर्ड आता है वो रिजर्व। तो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था रेटिसेंट, रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाला, तो आगे हमें अभी पढ़ा रिजर्व। तो इसका एक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है रेटिसेंट, तो रेटिसेंट, तो इस रिजर्व का अर्थ एक सिनोनिम्स हो जाएगा रेटिसेंट। इसका अर्थ होता कम बोलने वाला, तो हमें अभी इनका एंटोनिम्स चाहिए, जो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो ज्यादा बोलता है, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आ जाएगा टॉकेटिव। और हमने इसी का भी जस्ट सिनोनिम्स होता है गैरुलस। गैरुलस आता है ज्यादा बोलने वाला, जो इसी का अर्थ होता है टॉकेटिव। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है प्रेस एजम्प्टस। प्रेसम्प्टस इसका अर्थ क्या होता है, अज्यूमिंग, अगर जो कल्पना ही होती है, तो उसके लिए वर्ड आया, तो इसका एंटोनिम्स क्या आता है, जो अनअज्यूमिंग होता है, अनअज्यूमिंग का अर्थ होता है जो कल्पना ही होती है। एंड यहाँ पे जो प्रीफिक्स आया है वो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ पे अज्यूमिंग का हमें इसका एंटोनिम्स चाहिए, तो अनअज्यूमिंग हो जाएगा। आगे आगे हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, यदि कोई दो व्यक्ति है उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है और वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो उसके उसके अंदर विवाद होगा, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का अर्थ होता है विवाद, विवादास्पद। तो जो विवादास्पद होता है, जो जो जहाँ पे विवाद होगा वहां पे अशांति होगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा अशांत। अब हमें इसके लिए शांत के लिए जो वर्ड चाहिए, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम्स चाहिए, तो इसके एंटोनिम्स के लिए आएगा शांत। तो शांत के लिए यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है शांत। तो हमारे पास जो वर्ड था डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट को होता है विवादास्पद, अगर जहाँ पे विवाद होगा वहां पे शांति नहीं होगी, लेकिन हमें इसका एंटोनिम्स चाहिए जो हमारे लिए शांत होगा, तो उसके लिए आ जाएगा ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वो आता है फेटिग्यूज।
फैटिग्ड, ये इसका जो कंडेंसेशन है वो आ जाएगा फैटिग्ड। फैटिग्ड का अर्थ क्या होता है? तो फैटिग्ड का अर्थ होता है जो कमजोर होता है, अशांत होता है। इसका हो जाएगा मतलब फैटिग्ड तो शांत होता है, जिसमें मतलब कमजोर होता है। तो हमें जो जो इसका एंटोनिम चाहिए वो आ जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का अर्थ होता है एक्टिव। फैटिग्यूड, फैटिग्यूड का यहाँ पे फीबल जो हो जाएगा, जो कमजोर होता है वो एक्टिव नहीं होता है, वो एनर्जी लेस होता है। एनर्जी लेस जो, अब इसके लिए जो एंटोनिम्स आ जाएगा वो आ जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आ जाएगा एक्टिव डायनेमिक। जो हमारे पास वर्ड है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होता है जिसमें जो ताकत होती है वो एनर्जी होता है, वो जो एक्टिव होता है हमेशा, तो उसी के लिए सिनोनिम्स आ जाएगा डायनेमिक और एक्टिव। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है एनर्जेटिक। तो हमें अभी अभी जो पढ़ रहे थे एनर्जेटिक होता है एक्टिव डायनेमिक, जो एक्टिव रहता है। तो इसके लिए हमें एंटोनिम्स चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जेटिक एंटोनिम्स क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया लिस्टलेस। लिस्टलेस का अर्थ वही होता है जो गतिशील नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता है। तो इस तो लिस्टलेस का होता है जो गतिशील नहीं होता है, मूवेबल नहीं होता है, शांत होता है, उसके लिए आ जाएगा लिस्टलेस। आगे हमारे पास हमने वर्ड पढ़ा है डेस्पॉन्डेंट। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, और इसके अदर सिनोनिम्स भी आप मुझे ऐड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आता है डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट का अर्थ होता है दुखी, दुखी, उदास, निराश। तो उसके लिए हमने बहुत वर्ड पढ़े हैं, इसी के लिए हमने पढ़ा है डेस्पॉन्डेंट के लिए डिसअपॉइंटेड, ग्लूमी, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड, क्रेस्टफॉलन, मेलनकोली, वो इसी के सिनोनिम्स है। तो हमें इसका अर्थ होता है दुखी, जो हमने अभी देख ही लिया, जिसके सिनोनिम्स होते हैं लैमेंट, ग्रीफ, सोरो, मोरो, मेलनकोली। तो हमें अब इसका एंटोनिम्स चाहिए। तो ये दुखी के सेंस में है, तो हमें एंटोनिम्स के लिए खुशी के रूप में चाहिए, जो खुश होता हो, पर्सन होता हो। तो उसके लिए जो एंटोनिम्स आ जाएगा वो हमारे पास आता है चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ क्या होता है? हैप्पी। इसी के लिए हमने अभी पीछे वर्ड पढ़ा था ग्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्पॉन्डेड है, डिस्पॉन्डेड का अर्थ है दुखी, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास वर्ड आता है डिजेक्शन, जो हमने भी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसका लिया होगा नाम। तो हमने अभी जस्ट पहले डिस्पॉन्डेंट पढ़ा था। डिस्पॉन्डेंट के सिनोनिम्स होता है डिजेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन, डेस्पेयर, डेस्मॉल, ग्रीफ, मोरो, सोरो, मेलनकोली, क्रेस्टफॉलन, वो इसी के सिनोनिम्स है। तो हमें इसका एंटोनिम्स चाहिए। तो डिजेक्शन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका होता है दुखी, तो यहाँ पे वर्ड आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशी। अभी हमने जस्ट पीछे इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ होता है खुशी, इसी के लिए आता है हैप्पी और हैप्पी और ग्ली। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस, चीयरफुल, ग्ली, हैप्पी, उसी के सिनोनिम्स है। तो इसके सिनोनिम हम हो जाए उसी के वर्ड है, तो आ जाएगा हैप्पी और ग्ली और चीयरफुल, ये इसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, हैप्पी, ग्ली, चीयरफुल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो वर्ड है तो वो आता है निगार्डली। निगार्डली का अर्थ क्या होता है? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि निगार्डली का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है निगार्डली। निगार्डली का अर्थ है इकोनॉमिकली, अर्थात जो खर्चा तो करता है लेकिन कंजूसी के साथ खर्च करता है। अर्थात जो कंजूस होता है, जो खर्चा करता है लेकिन कंजूसी के साथ करता है, उसके लिए हमारे पास वर्ड आता है निगार्डली। तो हमें चाहिए इसी का एंटोनिम्स। तो इसी का एंटोनिम्स हमारे पास आ जाएगा वेस्टफुल। तो मतलब जो वेस्ट में इसे मतलब पैसे खर्च कर दे, जो कंजूसी से खर्चा ना कर दे, जो खुला होकर पैसे वेस्ट करता है, उसके लिए वर्ड आता है का वेस्टफुल। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है स्पेंड थ्रिफ्ट। वही वर्ड होता है खर्चीला। तो हमें अभी कंजूस के सेंस में इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स चाहिए। यहाँ पे स्पेंडथ्रिफ्ट, इसका हमें एंटोनिम्स चाहिए, इसका अर्थ होता है खर्चीला। तो इन जो वर्ड आए इसके अंदर इसका एंटोनिम्स क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे खर्चीला, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा स्टिंगी। स्टिंग का अर्थ क्या होता है? स्टिंग का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस, स्टिंग का अर्थ होता है कंजूस।
एक्सटेटिक, जो हमारे पास जो वर्ड आया वो आता है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक खुशी। जिसके लिए हमने अभी वर्ड भी पढ़े थे, हैप्पीनेस, चीयरफुल, ग्ली, हैप्पी, तो इसका होता है एक्सटेटिक, इसका होता है अत्यधिक खुशी। अब इसमें हमें दुखी के लिए वर्ड चाहिए, तो हमारे पास वर्ड आता है सॉरफुल, जिसका अर्थ होता है दुखी। हमने पढ़े थे सोरो, मोरो, लेमेंट, जिसका अर्थ होता है दुखी। सोरो का अर्थ होता है दुखी, तो यहाँ पे सोरो से एक वर्ड बना, हमारे पास आता है सॉरफुल, इसका अर्थ होता है दुखी। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था, इसका अर्थ होता है खुशी। इसके लिए हमने चीयरफुल पढ़ा था, इसके लिए मैंने ग्ली पढ़ा था, इसके लिए हमने हैप्पी पढ़ा था, तो हमें यहाँ पे इसके एंटोनिम्स चाहिए। तो एंटोनिम्स के लिए जो यहाँ पे वर्ड आता है वो आता है ग्लूमीनेस, और हमने अभी जस्ट पीछे जो वर्ड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सोरोफुल, तो इसका ये इसी का एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लूमीनेस। ग्लूमीनेस का अर्थ होता है दुखी, उदास, निराश, जिसके लिए हमने बहुत वर्ड पढ़े, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसफॉर, डिसमॉल, मेलनकोली, वो इसलैमेंट, इसी के लिए वर्ड पढ़े थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास वर्ड आता है हेजार्ड। हेजार्ड का अर्थ होता है बाधा, जिसके लिए हमने जो वर्ड पढ़े थे वो पढ़े थे हैम्पर, इस हैम्पर, हेजार्ड, या जो हिंडर, इसके लिए हमने तीन वर्ड पढ़े थे एस थ्री करके, उसके हमने कहा था हिंडर, हेजार्ड और हैम्पर, तो हमने एस थ्री करके तीन वर्ड पढ़े थे, जिनके तीनों का अर्थ होता है बाधा, ऑब्स्टेकल। एक हमने जो नॉर्मली वर्ड फूल का होता है वो होता है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का अर्थ भी होता है बाधा। तो हमें जो बाधा है, अब जो बाधा है हमें इसका एंटोनिम चाहिए, जो एक दूसरी डॉग क्लियर हो, जिसकी जिसकी कोई भी बाधा उत्पन्न हो, तो उसकी उसके लिए जो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर एक वर्ड आता है सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थ होता है जिसके आगे कोई बाधा नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं है, जो लूसी डॉग क्लियर हो, जो सेफ हो, वो इसके हेजार्ड के एंटोनिम्स में आएगा। तो हेजार्ड के एंटोनिम्स में हमारे पास वर्ड आ जाएगा सेफ्टी। आगे चलते हैं, आगे अर्थ आता है सिक्योर। सिक्योर का अर्थ भी वही होता है जिसके रास्ते में कोई बाधा नहीं होती है, जो सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है, सेफ होता है, जो हमने अभी पीछे इसके लिए वर्ड पढ़ा था सेफ्टी, वो इसी का सिनोनिम्स होता है। सिक्योर का अर्थ है सेफ, तो इसके लिए हमें एंटोनिम्स चाहिए, तो एंटोनिम्स हमारे पास आता है हैम्पर, ठीक है। इसका सिक्योर का जो एंटोनिम्स आ जाएगा वो आ जाएगा हैम्पर। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का अर्थ क्या होता है? असभ्य गवार। हाँ, इंसॉलेंट का अर्थ होता है असभ्य गवार, जिसके लिए हमने बी थ्री पढ़ा था। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि हमने पी बी थ्री के अंदर क्या क्या पढ़ा था, हमने बी थ्री के अंदर क्या क्या पढ़ा था, मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। इंसोलेंट का यहाँ पे जो अर्थ आ जाएगा वो आ जाएगा डिफरेंशियल। डिफरेंस जिसे हम बाकी से डिफरेंट कर सकते हैं, उसे हम बाकी जो भीड़ है उससे अलग कर सकते हैं, डिफरेंस जो शब्द होगा वो सबसे अलग होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इंसोलेंट का जो होता है बी थ्री, बी थ्री का अर्थ हो जाएगा असभ्य गवार। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था बारबरस, बुरिस और ब्रूटल, वो होता है इसके सिनोनिम्स में होते हैं, तो हमें इनका एंटोनिम्स चाहिए, वो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल। नेक्स्ट आता है बारबरस। बारबरस में भाई यहाँ पे वापिस आ गया, तो यहाँ पे बारबरस का अर्थ वही होता है बी थ्री, बी थ्री का होता है ब्रूटल, बारबरस और बुरिश, और उसी का अर्थ होता है असभ्य गवार, तो हमें तो इसका एंटोनिम्स चाहिए, तो इसके एंटोनिम्स के अंदर क्या आएगा, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इसका एंटोनिम क्या आएगा, जो सभ्य होता, जो यहाँ पे वर्ड आता है सिविलाइज, सिविलाइज का होता है सभ्य, इसी के लिए हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है मॉडेस्ट। जेंटल, मॉडेस्ट और जेंटल, इसका अर्थ होता है सभ्य। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है पिन्यूरियस। पिन्यूरियस का अर्थ क्या होता है? गरीब, पुअर के सेंस में। तो हमें तो इसका एंटोनिम चाहिए, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रिच के सेंस में हो जाएगा, जो धनवान होता है उसके लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है वेल्थी। वेल्थी का अर्थ होता है रिच। आगे हम लास्ट वर्ड हमारे पास आता है वो आता है पुअर। पुअर का अर्थ होता है गरीब। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिच। तो आज का हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।